तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर माइनक्राफ्ट की हार्डकोर सीरीज में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैं आपको लेके गया था माइनशाफ्ट में, और साथ ही में मैंने एक पिलेजर को भी मारा था और अपने लिए आर्मर्स भी बनाए थे। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा गया था। तो जिस माइनशाफ्ट को मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसको मैंने सिर्फ बाहर से देखा था, मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि वीडियो तब उस समय बहुत बड़ी बन गई थी। तो मैं उस माइनशाफ्ट को एक तो आज एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए, और साथ ही मैं हर समय मैं बोलता हूं कि मैं मेरे घर को बनाऊंगा पर मैं नहीं बनाता हूं, तो आज फाइनली मैं अपने घर को भी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सारे के सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने घर के अंदर जो ये स्टेयर्स हैं उनको सही करने वाला हूँ क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे। अब तो मेरे पास स्टेयर्स तो पड़ी हैं ऑलरेडी, मैं उन्हें निकाल लेता हूँ। कहाँ पे हैं कहाँ पे है, ये रही 12 स्टेयर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो इनको यहाँ पे एक बार रखते हैं, इनको एक बार लगा करके यहाँ पे थोड़ा रास्ता जो है ऊपर जाने का वो एक बार सही कर लेते हैं। और आप देख सकते, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस डोगी को बिठा रखा है, तो मैं इसका एक नाम रखने वाला हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस डोगी का नाम क्या रखूँ। तो फटाफट से एक बार यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग सीढ़ियों का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और बाहर मैंने यहाँ पे थोड़े से स्लैब्स लगा दिए हैं, ये देखिए तो एक अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों, अपने लिए एक बो तैयार कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स मेरे पास ऑलरेडी अभी पड़ी हैं और स्टिक्स भी है, तो एक मैं बो तैयार करूंगा। और बो मेरा तैयार हो चुका है, और साथ ही मैं कुछ एरो भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि बो एरो बिना कुछ काम नहीं आता है, तो एरो भी तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी मेरे पास गन पाउडर है और फन भी है, तो लगभग 4 एरो भी मेरे अभी अभी तैयार हो सकते हैं। तो 4 एरो तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए बो तैयार कर लिया, साथ ही में एरो भी तैयार कर लिए, टॉर्चेस भी तैयार कर ली हैं, और पिकेक्स वगैरह सब कुछ हमारे पास कंप्लीट है। तो अभी हम एक बार बाहर जा सकते हैं माइनशाफ्ट की तरफ। सारे आर्मर्स भी हैं, तो सारी चीज़ें अभी हमारे पास में कंप्लीट हैं। फूड हमने रख लिया है, क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस भी हमारे पास में ऑलरेडी है, तो साथ ही में चलते हैं बेड भी ले लेते हैं। डॉगी को आप साथ में ले जाते हैं, डॉगी बहुत काम का बंदा है, चलो मेरे साथ, चल आजा भाई। इसका नाम जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम मैं क्या रखूं। तो वहां मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसका नाम वैसे तो मैंने सोच रखा है पर आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके बाद मैं इसका नाम रखूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक रास्ता बनाया है माइनशाफ्ट में जाने का। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेयर्स की तरह मैं नीचे आऊँगा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, थोड़ा सावधानी से जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई मॉब यहाँ पे स्पॉन हो चुका हो, तो थोड़ा सा हमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी। ओके, तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, डर्ट से बिल्कुल एरिया पैक कर दिया था क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे स्केलेटन आ गए थे। ओके, तो यहाँ तक तो मुझे अभी कोई नहीं दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा सावधानी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं भूल सकता कि मैं हार्डकोर सीरीज़ में खेल रहा हूँ, तो हार्डकोर में हमेशा रिस्क रहता है, तो उसको भी हमें नहीं भूलना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं दिक्कत हो सकती है उतरने में, तो एक बार ही यहाँ पे थोड़ा स्टोन लगा देते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं और एक यहाँ पे लगाते हैं, एक थोड़ा सा बाहर भी लगा देते ताकि कहीं गिरे ना अपन, थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा देते हैं जिससे हम गिरे नहीं। ओके, आराम से। ओके, बैठ के काम करना पड़ता है, जब भी हम किनारे पे काम करते हैं तो हमें बैठ जाना चाहिए जिससे हमें थोड़ा खतरा गिरने का कम रहता है। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि बिल्कुल कम जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चलते हैं आगे, तो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रोशनी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे।
थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है। देख सकते हैं मॉब्स की आवाज़ आने लग गई। एक बारी मैं इसको थोड़ा सा काट भी लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि आने जाने में कहीं फिर बाद में दिक्कत ना हो। बहुत डर लगता है यार, थोड़ा सा आयरन मिल रहा है। एक बार रोशनी करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आयरन मिल रहा है, उसे निकाल लेते हैं एक बार। एक तो इनकी आवाज़ें इतनी खतरनाक होती हैं, सुन सुन के डर लगता है। तो यहाँ से मैंने सारा का सारा आयरन निकाल लिया, आप देख सकते हैं। एक बार ही टॉर्च लगाते हैं यहाँ पे। तो ये चमगादड़ देख सकते हैं आप कितना आवाज कर रहे हैं। मैं ये बीच के रास्ते इसलिए तोड़ते हुए जा रहा हूँ ताकि मुझे वापस जब आना हो, डॉगी क्यों डरा रहा है यार, तो दिक्कत ना हो। यहाँ पे कोई ना कोई स्पॉनर जरूर होगा मॉब का, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं सामने बहुत सारे क्रीपर्स दिखे हैं अभी मुझे, तो रिस्क हो सकता है फट जाएंगे वो। आप देख सकते हैं क्रीपर्स हैं सामने, तो यहाँ वाली जो जगह है एक बार उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो क्रीपर्स हैं वो लोग नहीं आ पाए। देख सकते हैं आप किस तरह से क्रीपर दौड़ के आया था, सही टाइम पर ब्लॉक हुआ ये। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक बार लगाते हैं। तो अब इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे। मुझे यहाँ पे थोड़ी नीचे रेल की पटरियाँ दिख रही हैं। अब थोड़ा डर लग रहा है कहीं रात ना हो गई हो, तो एक बार बैठ रख लेते हैं। और आवाज़ें मॉन्स्टर्स की ज़्यादा आ रही हैं। अभी रात नहीं हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत इंटीरियर अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ, और बिल्कुल यहाँ पे सीढ़ीनुमा आकार में क्रीपर है भाई साहब, क्रीपर है अंदर, फट जाएगा, दिक्कत होगी, क्या करूं। दिख रहा है यहाँ से, क्रीपर तो है यहाँ पे। दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक ज़ोंबी है जो कब से चिल्ला रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक क्रीपर था, यहाँ पे एक ज़ोंबी है। अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे अंधेरा है, एक बार यहाँ पे टॉर्च लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, यहाँ पे तो इस तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों एक ज़ोंबी है यहाँ पे, इसको से तो फाइट लेनी ही पड़ेगी। आ जा बेटा, आ जा, आ जा बेटा। ये नहीं आ रहा है, और इस तरफ भी रास्ता है वैसे, पर मैं इससे एक बार फाइट ले ही लेता हूँ। ये यहाँ पे फंस रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ ये आ क्यों नहीं रहा था।
तो यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स पड़ी हैं, इन्हें एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं मुझे जितनी भी ट्रैक्स दिख रही थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ से निकाल ली हैं, और एकदम अंधेरा हो गया है तो एक बार रोशनी कर लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। यहाँ पे कोल बहुत सारा है आप देख सकते हैं। ओके, टॉर्चेस थोड़ी ख़त्म होने वाली हैं, आयरन है यहाँ पे एक, आयरन का ब्लॉक निकाल लेते हैं क्योंकि आयरन अभी मेरे पास बहुत कम है। तो जहाँ जहाँ आयरन मिल रहा है मुझे वो मैं निकाल ले रहा हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पानी है आगे, फिर तो जाके देखते हैं पानी में क्या मिलता है। पानी मुझे यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा तभी मैं सही से जा पाऊँगा। ओके, ये ट्रैक्स भी निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी ट्रैक्स मुझे यहाँ पे मिल गई हैं आप देख सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे एंड हो चुकी है। टॉर्चेस यहाँ से लेते चलते हैं क्योंकि टॉर्चेस हमारे पास बहुत कम है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और सामने क्रीपर, ओके, ये वाली जो जगह है वहाँ पे मैं नहीं गया था तो एक बार यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ। बेटा इधर आ जा, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैं यहाँ पे जाके आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये वाली जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओके देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन पड़ा हुआ है, आयरन को निकाल लेते हैं यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें फटाफट से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना जल्दी काम कर रहा हूँ। रात ना हुई हो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे पता नहीं चलेगा। देखिए रात हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था, तो रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है मॉब्स की, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बार दिन कर लिया। ये चमगादड़ कितना चिल्ला रहे हैं यार, तो मैं कहाँ से आया था। ओके, तो ट्रैक्स को फटाफट से एक बार निकाल लेते हैं। सामने एक और आयरन ब्लॉक्स है, तो यार बहुत अच्छी चीज़ है आयरन, मुझे बहुत ज़रूरी है इसलिए निकालना भी ज़रूरी है। ओके, पानी की भी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे ओके यहाँ पे पता नहीं क्या है, ब्लॉक बंद कर रखा है। ओके यार, चमगादड़ क्यों लगा रहे हो। तो फटाफट से आयरन भी निकाल लेते हैं, ट्रैक्स भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा आयरन भी मुझे यहाँ पे मिला है। यार मैं आयरन की जो मेरी पिकेक्स है उसका अब यूज़ करूँगा। ओके, इससे काम फटाफट हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया है उसको हम इससे अभी बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे ट्रैक्स मुझे यहाँ से मिले हैं। ओके, तो ये वाली जगह मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ तो इसे मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, ये वाली एक्सप्लोर हो चुकी है, अब यहाँ पे चलते हैं। यार इसे मैं अब मारने वाला हूँ, मेरा कान पका दिया इतने चिल्ला चिल्ला के। कहाँ है दूसरा, आवाज़ें आ रही हैं बस दिख नहीं रहे ये लोग। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। ओके, तो आप देख सकते हैं मुझे एक माइन शाफ्ट, अरे सॉरी, मुझे एक रेल 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 दिख रही है, मतलब आगे कुछ ना कुछ तो है। रिस्क है पर जाना तो पड़ेगा, आगे कुछ हो सकता है। ओके, लावा दिखा मुझे यहाँ पे, डर होगी, हटो यार। आयरन ब्लॉक, इसे एक बार यहाँ से ब्लॉक करते हैं, यहाँ से एक बार निकालते हैं इसको 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 इसको। तो लावा है यहाँ पे,
इसको बाद में जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आयरन है। ओके, बहुत सारा मैंने आयरन यहाँ से निकाला है, आप देख सकते हैं सामने पता नहीं क्या है, चेस्ट है बिल्कुल रेल कार्ट के साथ में, आप देख सकते हैं दोस्तों एक चेस्ट है। तो इसके अंदर क्या है, ओके तो मुझे नेम टैग मिल चुका है, मैं डोगी का नेम टैग नाम भी रखने वाला था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिली हैं आप देख सकते हैं। टॉर्चेस भी जो मुझे नहीं थी मेरे पास तो वो भी मिल चुकी हैं, सारी मैंने यहाँ से खाली कर दी हैं चीज़ें जो मुझे पास नहीं थी। तो इसको एक बार यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे माइन शाफ्ट में मिली हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओके तो ये वाली जगह एक्सप्लोर हो चुकी है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं बाहर। तो रोगी बाहर आ जाओ, ये जगह बंद करते हैं। ओके ये जगह बंद, यहाँ पे हम जा चुके हैं, अब यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके ये बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो। तो ये वाला एरिया भी बंद कर देते हैं। रोगी बाहर आ जा, डोगी बाहर आ जा भाई, यार ये एक तो सुनता नहीं है। अब ये वाली जगह बची है एक, और एक यहाँ पे जाना है, तो एक बार यहाँ पे ब्लॉक रखते हैं ताकि आइडिया रहेगा कि यहाँ पे हम जाके आ चुके हैं। अब चलते हैं इस तरफ। ओके यहाँ पे कॉल है, कॉल भी हालांकि मेरे पास बहुत कम है, मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत है कॉल की, तो कॉल भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। माइन शॉफ्ट में बहुत कुछ हमें मिल गया आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक नया रास्ता खुल गया माइन शॉफ्ट का। ओके तो यहाँ पे बाद में देख लेंगे। ओके सामने क्रीपर है, अभी क्रीपर से नहीं उलझना है, तो यहाँ पे एक बारी बंद कर देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आ रहा है ज़ोंबी का, और ये छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये मेरे ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो यार, ये साले बहुत ख़तरनाक होते हैं, और मेरे डोगी ने मार दिया उसको, वाह यार ये डोगी मेरा चलो कहीं तो काम आ रहा है। रात ना हो गई हो एक बार देख लेते हैं। ओके रात नहीं हुई है अभी, बहुत सारे ज़ोंबीज़ की आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं पास में, तो हो सकता है यहाँ पर मॉब का स्पॉनर हो, क्योंकि छोटा बच्चा आया था एक बार अभी। तो एक बार यहाँ से ये आयरन निकालते हैं, और आसपास मॉब्स बहुत ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है मॉब्स का। यार ये आयरन की पिकेक्स तो और बहुत धीरे काम कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके तो चलते हैं अब यहाँ से आगे, टॉर्च लगाते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ओके तो आयरन एक बार ये और मिला, डॉगी को लाने का बेनिफिट तो बहुत हुआ, उसने मुझे बच्चे को मारने में ज़ोंबी के हेल्प करी। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रैक्स हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। अरे मैं इससे कहाँ तोड़ रहा हूँ इसको, पिकेक्स पिकेक्स। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, एक बार टॉर्च लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक बार साइडों में। ओके यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, अब रोशनी है हालांकि, एक बार उधर जाएंगे, एक बार पहले इधर इनको निकाल लेते हैं। एक और चेस्ट मुझे यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं दोस्तों, और सामने मॉब स्पॉनर भी है, तो यहाँ पे थोड़ा शांति से जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाने एक रिस्क हो सकती है। तो एक बार ही टॉर्च लगाएंगे ताकि मॉब स्पॉन कम हो। ओके और मैं जाल में फंस जाता अभी, तो ये जाल वाले को कैसे निकालें यहाँ से। ओके जाल निकाल दिया,
मेरा जो डॉगी है वो भी डर रहा है आगे जाने से, शायद पता नहीं। आ जाओ मकड़ी। डरो मत डॉगी, हम हैं तुम्हारे साथ। इस चेस्ट को तो मैं लेके रहूंगा भले कितना भी टाइम लगे, बहुत कुछ मिल सकता है इसमें। ओके, मकड़ी यहीं पे है। तो आप देख सकते हैं मेरा डोगी भी उसके ऊपर कितना कूद रहा है। बेटा तुझे ना लग जाए मेरी तलवार गलती से कहीं, तो तू थोड़ा दूर रहा कर बेटा। ओके, तो एक बारी मुझे टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी। और ये पता नहीं यहाँ पे फंस गया है, क्या हुआ इसके साथ? देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। सारी की सारी यहाँ से उठाने वाला हूँ, कुछ भी यहाँ पे रहने देने वाला नहीं हूँ। और एक बकेट मिल गई है मुझे, तो बकेट में यहाँ पे रखता हूँ, ब्रेड में अभी खा लूँगा। ओके भाई साहब, एक ये स्पॉन हो गया। अरे मेरे डॉगी को मार देगा ये भाई साहब। एक और रेल विथ चेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसे भी देखेंगे। एक बारी फूड खा लेते हैं, मेरा डोगी भी बेचारा भूखा होगा, उसे हड्डी खिलाते हैं। बेटा आ जा, खा ले ना, कैसे खाएगा ये? ओके सॉरी, गलती से लग गई तुझे बेटा, पता नहीं कैसे खाता है यार। तो फटाफट से एक बार वो वाली चेस्ट खोलते हैं, दूसरा कोई यहाँ पे आ जाए इससे पहले। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा लापिस है और टॉर्चेस भी बहुत सारी हैं। एक और नेम टैग है, आयरन भी पड़ा हुआ है यार, तो मैं क्या फेंकूँ? स्ट्रिंग्स, ओके स्ट्रिंग रहने देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। यार डर लगता है यार। ओके, यहाँ पे ज़ोंबीज बहुत सारे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो अभी आगे जाना सेफ रहेगा। एक बारी ब्लॉक करते हैं इसको, जगह को ब्लॉक करते हैं। ओके, ब्लॉक है, अब नहीं आ पाएंगे। बहुत सारी चीजें मिल गई, आप दोस्तों देख सकते हैं जितना सोचा था उससे ज्यादा यहाँ पे इस माइनशाफ्ट में मिल रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है, डर डर के निकाल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, पर सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। आयरन बहुत सारा हो गया है अभी हमारे पास, जो भी मिल रहा है मैं यहाँ से सब कुछ ले रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ। ओके, एक मकड़ी फिर यहाँ पे आ गई, आ जाओ। और मेरा डूगी यहाँ पे है। ओके अच्छा, मैंने इसको बिठा दिया इसलिए ये मेरे पीछे नहीं आ रहा है। यार रात हो चुकी होगी, एक बार दिन कर लेते हैं। नहीं हुई है यार। अच्छा मॉन्स्टर है आसपास इसलिए नहीं सो पा रहा हूँ मैं। यार ये मकड़ी पता नहीं कितना अटैक करेगी। चलो बैग लेना ही पड़ेगा साथ में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्केल्टन इधर था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ओके, उसने एक तीर मार दिया, उसने बहुत गोल्डन के आर्मर्स पहन रखे थे। तो यार उस स्केल्टन को तो मारना जरूरी है यार। तो एक बार बाहर जाके दिन कर लेते हैं यार, बहुत अंदर एक्सप्लोर हो गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है रास्ता। ओके, मैं पानी की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था,
रास्ता यही है, बट मुझे पानी की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। अभी एंडरमैन आपे आगे पीछे घूम रहा है, पर मुझे उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एंडरमैन भी बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों फाइनली माइनशाफ्ट में इतनी अच्छी तरह से लूट मचाने के बाद में मैं अपने घर वाली लोकेशन पे आ चुका हूँ और आप मेरी इन्वेंट्री देख सकते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। लापिस लजुली मिल चुका है, वाटर बकेट मिला है, बहुत सारे रेल ट्रैक्स मिले हैं आप देख सकते हैं, और बहुत सारे रेल ट्रैक्स ऑलरेडी अभी वहाँ पर मौजूद भी हैं। और मेरे मुझे एक नेम टैग भी मिले हैं दो, और आयरन ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, मुझे 41 आयरन मिला है वहाँ से, और 2 आयरन इंगॉट भी मिल चुका है, और साथ में पम्पकिन के सीड्स भी मिले हैं, एक पावर ट्रैक भी मिल गया, और माइन कार्ट भी मिली है मुझे एक। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे मिल चुकी हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं उसको एक बारी चेस्ट में यहाँ पे जो मैंने नई बनाई है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तो सारा सामान मैंने स्टोर कर दिया है चेस्ट में। अब मेरे पास जो आयरन पड़े हैं उन्हें मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। ओके, पट्टी चालू हो चुकी है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसमें डाल देंगे। ओके बहुत सारा आयरन तैयार हो चुका है, अभी हमें हमारे लिए कुछ भी तैयार करना हो तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक आयरन की ज़रूरत है, देखते हैं कितना आयरन चाहिए उसमें। मुझे शेयर्स बनाना है। ओके, तो शेयर्स में 2 आयरन इंगोट से बना सकता हूँ, ये मैंने बना लिया है, ये मुझे बहुत ज़रूरी था। मुझे जितने भी आसपास के पत्ते हैं उन्हें काट के लाना है, इसलिए मुझे ये ज़रूरी था बनाना, तो ये मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं आयरन हमारा मेल्ट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे 41 आयरन के ब्लॉक्स मिल चुके हैं। एक बार इसको चेस्ट में स्टोर करते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इसका कोई काम नहीं है। और मेरे पास में 2 चेस्ट एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो इस बार प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा चेस्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, हमें सामान रखने में आसानी होगी। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस हो चुकी हैं, और अभी चलते हैं और थोड़ा सा घर का जो काम है वो कर लेते हैं। तो यार कोबल स्टोन तो बहुत सारा पड़ा हुआ है मेरे पास में, और डर्ट भी शायद है, तो एक बार ही देखते हैं डर्ट कितनी पड़ी हुई है। डर्ट है मेरे पास में, ओके डर्ट है, कोबल है, सैंड भी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने ये बाहर वाली जो जगह है उसको एक बार सही करने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है शेप, देख सकते हैं आप बिल्कुल आड़ा टेढ़ा शेप है। तो जो घर का बाहर का जो शेप है वो एक बार मैं सही कर देता हूँ। डर्ट हमारे पास में बहुत सारी है, उसका यूज़ करते हैं और जो इसका शेप है वो एक बारी सही कर लेते हैं। ज़ॉम्बी भैया क्या कर रहे हो आप यहाँ कोने में? ओके, तो थोड़ी डर्ट हमारे पास में कम हो गई है, तो पीछे बहुत सारी एक्स्ट्रा डर्ट पड़ी हुई है, इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ताकि जो मुझे अपना ज़मीन समतल करना है घर के आगे वहाँ पे ये काम आ जाएगी, और यहाँ पे भी थोड़ा समतल हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शेयर्स का इस्तेमाल किस करके मैं इन पत्तों को बिल्कुल पूरा का पूरा निकालने वाला हूँ, और कितनी जल्दी से काम होता है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से काम होता है इसमें, आप देख सकते हैं कितनी टाइम लगा और फटाफट से हमारा जो पेड़ है बिल्कुल कट के बाहर आ गया, और जो ये पत्तियाँ हैं वो हमें इसमें मिल जाती हैं पूरी की पूरी, जो कि हमारा डेकोरेशन वगैरह होता है उसमें यूज़ आ सकती हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, तो ये वेस्ट नहीं होती, ये देखो ये देखो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ज़मीन को अपने घर के आसपास की जितनी भी ज़मीन थी उसको बिल्कुल ही समतल कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, मतलब मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई कर दी है, एकदम एक जैसा मेरा घर के आगे का अब लुक दिख रहा है। तो ये अब सारा का सारा यहाँ पे पीछे जितना भी डर्ट था वो मैंने यहाँ से हटा करके आगे प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है, वो मैं बाद में कर लूँगा। तो अब बनाते हैं हमारा एक स्टोरेज रूम। तो दोस्तों मेरे घर के पास में बहुत सारा ग्रेनाइट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड में सैंड जो है ना वहाँ पे मुझे बहुत सारा ग्रेनाइट लास्ट टाइम दिखा था। तो एक बारी दिन कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे घर के राइट साइड में बहुत सारी सैंड है, वहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम सैंड लेने गया था कांच बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पे ग्रेनाइट दिखा था, आप देख सकते हैं ये रहा। तो इस ग्रेनाइट का भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं, चलिए इस ग्रेनाइट को भी यहाँ से निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे 50 ग्रेनाइट्स यहाँ से मिल गया, और सैंड स्टोन की बात करूँ तो मुझे 18 सैंड स्टोन भी यहाँ से मिल चुके हैं। तो चलते हैं वापस से। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये देखिए हमारा एक बिल्कुल स्टोरेज रूम का जो बेस है वो तैयार हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या सोच रहा था कि जो ये मैं ग्रेनाइट लाया हूँ उससे मैं इसका फर्श तैयार करूँगा। तो दोस्तों हमने बेस तैयार कर लिया है हमारे जो स्टोरेज रूम है उसका, बट अब हमें यहाँ पे उसके पिलर रख के बाकी का काम करना है। तो उसके लिए मैं कोबल स्टोन का यूज़ करूँगा क्योंकि कोबल स्टोन मेरे पास बहुत सारा है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट तो मैंने ले ली पर नीचे जाने के बारे में मैंने नहीं सोचा, थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। और मैं वाटर बकेट भी लेके नहीं आया हूँ। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अरे पानी है, वाटर बकेट की ज़रूरत कहाँ है, अपने आस पास में ही तो पानी है, मैं भूल गया। कितना अच्छा लगता है यार इतना जम करके। तो जो मेरे घर की हाइट है वो एक बार मुझे देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लॉक पे मेरी हाइट है घर की, तो मैं 15 तक ले जाता हूँ। सात तो है ही, ये 8 9 10 11 12 13 14 14 है ना फिर। ओके 15 हो ही गया और ज़्यादा हो गया तो 16 हो गया। बापू गिर गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बारी वापस नीचे कूद रहा हूं पानी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं घर का जो लगभग काम कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं। फटाफट से फर्श का काम कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं फर्श यहां पर आकर के खत्म हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फर्श का काम था वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहां पे जो है पिलर खड़ा कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक साइज मैंने बड़ी कर ली है, तो इसको एक बार यहाँ से तो पहले यहाँ से मिलाते हैं ताकि क्या है कि पता चल जाएगा कि बड़ा है या छोटा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से चारों कॉर्नर मिला दिए हैं और ये वाला जो ऊपर वाला काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ऊपर साथ ही में जो मेरा वुड प्लैंक्स लगाने का काम था वो भी मैं करते हुए नीचे चलता हूँ, जिससे मुझे बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा। और एक कासल की तरह मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स रखने थे वो भी मैं कर देता हूँ। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वुड प्लैंक्स छत पर लगाने का काम था वो भी मैंने कर दिया है। अब मुझे यहाँ से एक बार फिर पानी में कूदना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे जाना है। ऊपर चढ़ने वाला काम तो मैं कर देता हूँ पर ओके भाई साहब रात हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मैं भूल गया और ये क्रीपर मेरा काम खराब कर देगा। इससे पहले मुझे ये मेरे डॉगी को खड़ा करता हूँ और फटाफट से जाके एक बार देन करता हूँ। ओके तो सुबह मैंने कर ली है और साथ में मैं देख सकते हैं आप पास में क्रीपर भैया खड़े हैं, तो क्रीपर भैया को मारना पड़ेगा। इसके लिए बो चाहिए, बो 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 ओके तो बो मैंने हाथ में ले लिया है और क्रीपर भैया के ऊपर तान दिया है। और ये देखिए क्रीपर भैया को एक लगा, दो लगा, तीन लगा, तीन हेडशॉट और क्रीपर भैया ख़त्म और एक हवाई फायर। चलिए अब देखिए आप बाकी का काम करते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है अभी। तो बाकी का जो काम है वो भी मैं अभी फिनिश फटाफट से कर लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगा देंगे ऊपर तो अच्छा लुक आ जाएगा। और चेस्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके तो हमारा जो स्टोरेज रूम है वो लगभग तैयार हो चुका है। मैं इसको एक बार बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही तगड़ा लुक यहाँ से देखने को मिल रहा है। और ये जो टी शेप बनाया है उसको एक बार तोड़ते हैं। बहुत ही अच्छा लुक यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज मैंने आपको माइनशाफ्ट बिल्कुल अच्छे से अंदर एक्सप्लोर करके दिखाया। वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाफिस लजूली मिल गई, आयरन ट्रैक्स मिल गए, पावर ट्रैक्स मिल गए, माइन कार्ड्स मिल गई और साथ ही में मैंने जो हमारा घर था वहाँ पे एक स्टोरेज रूम भी ऐड कर दिया। तो जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।